Hey guys, welcome back to my channel Homeopathy Knowledge. So मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्विक रिव्यू ऑफ अफॉरिज्म 21-30. अफॉरिज्म 21 पैथोजेनेटिक सिम्टम क्यूरेटिव इन मेडिसिन. अफॉरिज्म 22 एंटीपैथी कॉन्टैरिया कॉन्टैरिस क्यूरेंटर. एंटीपैथी लॉ है जो अपोजिट क्योर अपोजिट लाइक. अगर कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है और अगर उस पर कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं सो दिस इज अ एंटीपैथी ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 23 डर्मेटिक्स ऑफ एंटीपैथी. एंटीपैथी होती है उसके अंदर बहुत सारे डर्मेटिक्स होते हैं, जैसे कि कोई भी बर्निंग सेंसेशन पे अगर कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है तो उसको उस टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके सिम्टम्स एग्रावेट होने लग जाते हैं जिससे कि वो बहुत सीरियस हो जाता है. यह एक डर्मेटिक्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डर्मेटिक्स इस अफॉरिज्म में डिस्कस किए गए हैं. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 24 ओनली सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. ये जो अफॉरिज्म है इसके अंदर होम्योपैथी लॉ को डिस्कस किया गया है. अफॉरिज्म 25 मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी. ओवरऑल इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे अफॉरिज्म को डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 26 होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर. इसके अंदर होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर को डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अफॉरिज्म है. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 27 क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन. इसमें हम देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन है उसकी क्यूरेटिव पावर कैसी होती है और वो कैसे होम्योपैथी मेडिसिन सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है. अब होम्योपैथी रेमेडी सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती है जो कि मेडिसिनल सिम्टम होते हैं और जो वो हमारे वाइटल फोर्स को कैसे रिमूव और क्योर कर. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 28 कन्फर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर. डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं ये जो लॉ है वो पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है और ये बहुत बड़ा भी है, इसलिए इसको अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती. नेक्स्ट है अफॉरिज्म 29 मॉडस ऑपरेंडाई. नेक्स्ट अफॉरिज्म 30 रेगुलेशन ऑफ डोज. इसमें देखते हैं कि डोज कैसे देनी चाहिए और उसको कैसे रेगुलेट करते हैं. सो थैंक यू.